हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम बनाने वाले हैं गोश्त का पुलाव। यहाँ पर मैं गोश्त को रखने के लिए रख दूँगी। गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया है। यहाँ पर मैं डाल दूँगी 3 से 4 प्याज, इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। 2 लहसुन की कलियाँ, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच धनिया डाल देंगे। और यहाँ पर मैं 2 ग्लास पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये इसी पानी में अपनी तैयार हो जाए। थोड़ा नमक डाल देंगे। अखनी को मैंने बनने के लिए गैस पे रख दिया है और अब मैं यहाँ पुलाव के लिए तड़का तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने डाल दिए हैं 2 चम्मच तेल, 2 को अच्छे से गर्म कर लिया है। यहाँ मैंने 2 प्याज को कट कर लिया था, इसको गोल्डन होने तक देंगे और गोल्डन होने के बाद हम इसको सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। यहाँ पर प्याज हो चुकी है गोल्डन। अब मैं यहाँ इसको एक प्लेट में अलग से निकाल लूँगी। यहाँ मैंने कुछ प्याज को बचा लिया था तड़के के लिए, वो मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर मैं गरम मसाला ऐड करूँगी, कुछ साबुत है और कुछ पिसा हुआ। थोड़ा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा ही नमक ऐड करना है क्योंकि हमने अखनी में भी नमक को डाला है। आप डाल देंगे टमाटर जो कि मैंने पहले ही कट कर लिए थे। यहाँ एक नींबू को मैंने कट कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। और 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई, ये भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने सौंफ, धनिया और अदरक का पेस्ट बना लिया था, इसे भी डाल देंगे। इससे पुलाव जो है वो बहुत टेस्टी होती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पर हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ अखनी हो गई है तैयार। यहाँ मैं गोश्त को एक प्लेट में निकाल लूँगी। अच्छे से गल चुका है और अब इसको मैं एक प्लेट में बाहर निकाल लूँगी। साथ ही साथ मसाले को भी देखते रहेंगे। मसाला भी हो चुका है तैयार। यहाँ पर अखनी का मसाला हो गया है तैयार। अब यहाँ डाल देंगे अखनी का गोश्त जो कि हमने अखनी किया था, और अच्छे से गोश्त डालकर भी हम भून लेंगे। जो लहसुन को अखनी में मैंने डाला था उसी लहसुन को हम मसाले में डाल देंगे। ऐसे करके हम अपने हाथ से अच्छे से भीज कर निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने दोनों लहसुन की कलियों को ऐसे ही ऐड कर दिया है। जो अखनी का पानी है अब उसी डाल देंगे। 1 गिलास अखनी का पानी हुआ है और यहाँ पर 2 गिलास पानी को और ऐड करेंगे। एक उबाल आने देंगे। यहाँ मैंने 2 गिलास चावल लिया है,
जिसको मैं 1 घंटे पहले ही पानी में डाल दिया था। अब यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं चावल। चावल के साथ साथ हम नमक को भी चेक करेंगे। यहाँ पर पुलाव हो गई है तैयार। यहाँ पर मैं डाल दूँगी पुलाव को कलर देने के लिए ऑरेंज कलर, थोड़ा सा और थोड़ा सा ग्रीन कलर, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा। इससे पुलाव का बहुत ही अच्छा कलर हो जाएगा। अब डाल लूँगी गोल्डन की हुई प्याज जो कि हमने पहले ही भून लिया था। यहाँ पर मैं पुलाव को दम पर रख दूँगी 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि पुलाव हो गई है पूरे तरीके से तैयार। पुलाव देखने में भी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करना और मेरे आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना, लाइक करना। ओके।